गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए देखें आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई। तो सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध बनते कैसे हैं वो भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत सहसंयोजक बंध बनाने में परमाणु के वे कक्षक भाग लेते हैं जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तथा सहसंयोजक बंध कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें वही कक्षक भाग लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको भी बताएंगे। जैसे हमने अभी देखा यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, से पहले हमने पढ़ा है। तो यस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, पी में कितने होते हैं, छः, डी में कितने होते हैं, दस, एफ में कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हुंड के नियम के अनुसार, तो देखते हैं सबसे पहले हम सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद उसका युग्मन शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी कक्षक में यदि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसमें सभी दोनों दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो पेयर्ड होगा, उसे कहते हैं युग्मित। तो यहाँ पे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वही कक्षक भाग लेते हैं बंध बनाने में, तथा सहसंयोजक बंध कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, अतिव्यापन से। अतिव्यापन क्या होता है अभी इसको मैं बताता हूँ। अगला पॉइंट है यहाँ पे, किसी परमाणु के कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध होते हैं। किसी परमाणु के कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मैंने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अगर एक है तो वहाँ पे एक बंध बनेगा, दो है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात जितने सहसंयोजक बंध होते हैं उतनी ही उसकी सहसंयोजकता होती है। संयोजकता आप जानते हैं, ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करती है, या आप कहते हैं किसी परमाणु के वाहितम कोष में उपस्थित अणु की संख्या पे क्या करती है, निर्भर करती है। कौन, संयोजकता। तो यहां पे आप कह रहे हैं जितने सहसंयोजक बंध होते हैं उतनी ही उसकी सहसंयोजकता होती है। अगला पॉइंट इसमें है, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही क्या होता है, प्रबल होगा। कैसे होता है अभी मैं अतिव्यापन के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन सा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन, इसकी इंग्लिश क्या है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध बनता है वो दो प्रकार का बनता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप जानते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखें हम अतिव्यापन क्या होता है, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमने ये कहा ओवरलैपिंग, ठीक है, अतिव्यापन। आप कहते हैं दो परमाणु जब एक दूसरे के सन्निकट आते हैं तो उनके कक्षक एक दूसरे से क्या करते हैं, वो अतिव्यापित होकर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा अतिव्यापन हो सकता है, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा है एस पी ओवरलैपिंग, इसके बाद तीसरा है पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यस एस अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, जब किसी परमाणु का एक यस था दूसरे परमाणु का एक यस कक्षक आपस में क्या हो, अतिव्यापित हो, एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, एक दूसरे के पास आए, तो वहां पे कह सकते हैं कि यस यस अतिव्यापन होता है। किसी परमाणु का एक यस तथा दूसरे परमाणु का पी कक्षक आपस में
अतिव्यापित होता है, यहाँ पे पी और पी कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बताया गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो कैसे हम जानते हैं, आइए देखें, यस का आकार कैसा होता है, गोलाकार, कैसा होता है गोलाकार, और पी का आकार कैसा होता है डंबल शेप, कैसा होता है डंबल शेप, और डी का आकार कैसा होता है डबल डंबल शेप, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, परमाणु संरचना जब पढ़े थे आप तब इसमें बताया गया है कि एस का आकार और पी का आकार और डी का आकार क्या होगा, बताया गया होगा स्फेरिकल होगा, ये डंबल शेप होगा, ये डबल डंबल शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस एस अतिव्यापन की बात होती है, तो आए देखें हम, तो क्या होता है यस एस अतिव्यापन, क्या होता है यस का आकार कैसा है गोलाकार है और पी का आकार भी कैसा है गोलाकार है। तो यहाँ पे एक यस कक्षक ये है और दूसरा भी क्या है यस कक्षक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वही कक्षक में भाग लेगा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं अतिव्यापित होते हैं, और इसका हेड और इसका हेड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बनता क्या, मैंने भी कहा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। ठीक है, युग्मित हुआ, इसके बाद आप कहते हैं यस और पी ओवरलैपिंग है, एक यस कक्षक है और दूसरा कौन सा है पी है, पी कक्षक का कर मैंने अभी बताया डंबल शेप। तो यहां पे क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं समीप आते हैं, सन्निकट या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस तरह से ये बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन करते हैं और यहां भी बनाता है क्या सिग्मा बॉन्ड, यानी यस का हेड और पी का एंड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं यहां पे अतिव्यापित हो रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आता है दूसरा थर्ड पॉइंट आता है पी पी ओवरलैपिंग, पी का मतलब क्या हुआ डंबल शेप ऐसा, और दूसरा भी कौन सा हो पी हो इस तरह से, या ऐसे दिखा दीजिए अलग अलग करके दिखा दीजिए। ठीक है, प्लस ये है। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों अतिव्यापित हो रहे हैं, क्यों कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा बना यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड, यानी पी का ये पी कक्षक है और ये भी पी कक्षक है, इस पी का एन और इस पी का एन, एन टू एन ओवरलैपिंग हुई, तो एन टू एन ओवरलैपिंग के द्वारा यहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आप देखेंगे यहां पे दूसरा पी पी ओवरलैपिंग, जिसे बोलते हैं हम पार्श्वी अतिव्यापन या बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी एक पी कक्षक ये है और दूसरा पी कक्षक ये है, तो यहाँ पे ये इस तरह से अतिव्यापित होते हैं और बॉन्ड का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, ये देखिए। ठीक है, साइड वाइज यहाँ पे इस प्रकार से ये एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हुआ ओवरलैपिंग। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने यही कहा कि जहां पर अभी आपने देखा यहाँ पे अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, तो आप देखेंगे जैसे यस यस कक्षक है, यस और ये है आपका यस, इसमें अतिव्यापन अधिक मात्रा में होता है, अधिक होता है इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहां पे देखिए, इनके बीच अतिव्यापन क्या होता है बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन टू यस ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा, अतिव्यापन यहां पे कम हो रहा है, यहां पे क्या होता है पाई बॉन्ड क्या होता है उसकी तुलना में वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है प्रबल बॉन्ड होता है, अब पाई क्या होता है दुर्बल होता है। आप देखेंगे यहां पे अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे क्या होता है वो एक सिग्मा होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बनता है और एक क्या बनता है
पाई बनता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा और जो पाई बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे अब देखिए, हमने कहा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध बनते हैं। कैसे, आइए देखें हम इसका अगला पॉइंट, ये देखें इसमें, इस पॉइंट को हम बताते हैं। जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन या CH4 मेथेन है। ठीक है, कार्बन की बात करता हूं मैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इटानी विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। ओके, तो ये कक्षक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, क्योंकि ये एक अच्छा कूड़ों से भरा हुआ है, यस और पी ये कूड़ों से नहीं भरे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप देखें यहाँ पे यस में कितने कक्षक, 1 और पी में कितने कक्षक, 3। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2। यहाँ कितने हैं, 2। इसका ये कौन सा स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। ठीक है, इसके बाद ये अपनी मूल अवस्था से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के इसमें जाएगा, ये बोलते हैं इसको एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। यहां पे इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 1, और यहां पे कितना हो गया, 1, 2, 3। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। आपने देखा यहां पर हमने यही कहा, किसी परमाणु के कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध होते हैं। अब देखें 1, 2, 3, 4 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो यहाँ पे कितने सहसंयोजक बंध बन सकते हैं, अब 4 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 4। तो आप देखें यहाँ पे ये इसका कौन सा स्टेट है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, संकरित अवस्था। मतलब इसका 1 यस, इसका 3 पी कक्षक आपस में संकरित होकर यहाँ पे 4 नए sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं sp3 संकरण। आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको संकरण क्या होता है अच्छे से डिटेल में। ठीक है, आप जाने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं बन सकते हैं, यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4 क्यों बन सकते हैं, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बताया गया कि किसी भी परमाणु के कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सहसंयोजक बंध होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब CH4 मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे देखिए, अगर वही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन दे, 1 यहाँ पे दे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से H H H और H, ये हो गया CH4 मॉलिक्यूल। इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से CH4 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से भी हैं, आप देख सकते हैं ऐसे फास्फोरस है, फास्फोरस का होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। तो यहाँ पे ये कक्षक तो भाग लेंगे नहीं बॉन्ड बनाने में, यही कक्षक भाग लेते हैं, तो 3s2 3p3 और 3d0। यहाँ पे हुआ यस में 1 कक्षक और पी में 3 कक्षक और डी में कितने होते हैं, 5 कक्षक। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 हैं, 1 और 2। यहाँ कितने हैं, 1, 1, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 0। इसका कौन सा स्टेट हुआ, ग्राउंड स्टेट। ये कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन प्रमोट कहाँ जाएगा, बैकेंड डी कक्षक में जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, यहाँ कितने हो गए, 1, 2, 3, यहाँ कितने हो गए, 1। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5।
इसका मतलब है यहाँ पे पांच बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका हाइब्रिडाइज स्टेट होगा, एक यस तीन पी था एक डी, तो संकरण हो जाएगा sp3d, तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा कितना, पांच, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है। और ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, असंकरित कक्षक, ठीक है, जो कि संकरण में भाग नहीं ले रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से ये पांच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप ऐसे आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी होगा फिर नेक्स्ट आपका होगा, मैंने अभी कहा संकरण की बात की, तो संकरण आपको बताऊंगा कि संकरण क्या होता है या इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप बता सकते हैं कि आ युग्मित जटान ऐसे दिखाएंगे और कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है।